क्लोज पैकिंग सबसे पहले हमें पढ़ रहे थे ना, क्लोज पैकिंग पढ़ रहे थे ना कि क्लोज पैकिंग क्या होता है, निविड़ संकुलन। तो क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी कोई बोरा है उसमें कितना हम ठूस के कोई चीज भर सकते हैं, वही क्या कहलाता है निविड़ संकुलन। कितना हम उसको भर पाएंगे, ठीक है ना, एक यूनिट से ले लेंगे उसमें हम कितना दबा के भर पाएंगे उस परमाणु अणु या अणु को, वही क्या कहलाता है निविड़ संकुलन। हम इतना उसको क्लोजली पैक कर पा रहे हैं ना। तो निविड़ संकुलन तीन प्रकार से होता है, पहला होता है 1D, दूसरा है 2D और होता है 3D। मतलब एक ही डायरेक्शन में निविड़ संकुलन, दूसरा होता है दो डायरेक्शन में, और तीसरा होता है तीन डायरेक्शन में निविड़ संकुलन, ठीक है ना। हम केवल भरना सीख रहे हैं कैसे हम अणु परमाणु या आयन को किसी एक कोशिका में भरेंगे, ठीक है ना। आप भी देखिए इधर, हेलो, ठीक है ना, आप लोग के तो मतलब ये है कि कैसे भरा जाता है, कैसे ठूस के बोरा में भरेंगे किसी चीज को, सामान भरे हैं रखते हैं आप, तो कैसे भरेंगे कि कम से कम बोरे में ज़्यादा से ज़्यादा आ पाए, तो उसको भरने का तरीका है, ठीक है ना। अगर वैसे भर देंगे खड़ा खड़ा गत्ता रख देंगे बोरा में, तो ये अगर दूसरे गत्ता बोरा भर जाएगा, दबा के जब भरेंगे तब हाँ, ठीक है ना, तो ज़्यादा गत्ता रहेगा तो दबा के भरना है, लेकिन कितना दबा सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन और 3 डायरेक्शन होता है। 1 डायरेक्शन में क्या होगा कि हम एक टू लिए एक कण, दूसरा कण ले लिए, और फिर तीसरा कण ले लिए, ऐसे रखते जाएंगे, ठीक है ना। सिंपल तरीका है, लड्डू रखते हैं ऐसे 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 रखते जाएंगे, एक पंक्ति में पूरा हो जाएगा, हो गया ना, एक ही डायरेक्शन है ना इसका, तो एक डायरेक्शन क्लोज पैकिंग हो गया। एक तरीका तो ये हो सकता है कि अगर एक टू रखें तो फिर दूसरा कर दिए, तीसरा कर दिए, चौथा कर दिए, तो संपर्क में ऐसे रखते चले जाएंगे। तो ये 1 डायरेक्शन क्लोज पैकिंग हो गया। अब इसमें अगर जो हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहें या फिर पड़ोसियों की संख्या कहें, तो इसमें कितने पड़ोसी हैं, दो, दो पड़ोसी ना। यहाँ पे देखिए ये टू है, तो इसके कितने, एक और दो, दूसरे पड़ोसी है ना, दो से ज्यादा पड़ोसी नहीं है, सीधा सीधा घर है, सीधा सीधा है ना, एक पंक्ति में गांव वाला घर है, शहरों वाला घर है, दूसरे पड़ोसी है इसके, तो इसके कितने पड़ोसी हैं, दो पड़ोसी हैं, 1 डायरेक्शन में हो गया ना। उसके बाद ये है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, कितने हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर दो हो गया। और कुछ इसमें ज्यादा कुछ पता चलता नहीं है, वाइट होता नहीं है, क्योंकि दूसरे कोई है रिक्त का होती नहीं है। दूसरा है 2 डायरेक्शनल क्लोज पैकिंग। 2 डायरेक्शन क्लोज पैकिंग का मतलब होगा एक पंक्ति हमने पूरा कर लिया और दूसरा का पंक्ति भी पूरा कर, जैसे कि कोई गलती है और उसमें घर है, ठीक है ना, देखेंगे एक कोई धर्म के घर होगा, सटले उधर मुख्य घर होगा ना, और घर जो होगा एक पंक्ति होगा जो केवल एक पंक्ति रहता, तो क्या रहता है, वो 1 डायरेक्शन क्लोज पैकिंग रहता, लेकिन जब इधर ही घर आ गया तो 2 डायरेक्शन हो गया ना, उधर वाला है इधर वाला, तो कहने का मतलब यह है कि दो घर हो गया। अब ये हो सकता है कि एक घर के जस्ट पीछे तो दूसरा घर हो, एक तरीका हो सकता है एक घर के बीचों बीच या आधे पे दूसरा घर हो, ऐसा हो सकता है ना, दो तरीका है। तो 2 डायरेक्शन क्लोज पैकिंग में क्या होता है, अगर जो हम टू रखेंगे ऐसे ऐसे रख दिए, तो इसके जस्ट ऊपर एक टू आ जाएगा, ठीक है ना, जितना इसका जो केंद्र है पहले वाले कण का या फिर पहले वाले जो परमाणु है इसका जो केंद्र है, दूसरे वाले परमाणु का केंद्र यदि मैच कर रहा है तो क्या कराएगा, वह द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। द्विविमा हो गया ना, लंबाई और चौड़ाई दोनों हो गया, यहाँ पे क्या था केवल लंबाई था, चौड़ाई नहीं था, तो ये 1 डायरेक्शन क्लोज पैकिंग था। यहाँ पे क्या है, 2 डायरेक्शन क्लोज पैकिंग। 2 डायरेक्शन क्लोज पैकिंग दो प्रकार से होगा, कौन कौन सा, एक तो वर्ग निविड़ संकुलन, एक होता है षट्कोणी। वर्ग कैसे बनेगा, अगर जो हमने पहली पंक्ति रखा है जस्ट ऊपर दूसरी पंक्ति रख दें, जस्ट ऊपर तीसरी पंक्ति रख दें, तो क्या बनाएगा, ये वर्ग बनाएगा, वर्ग बना रहना है। यहाँ पे अगर जो हम इसको केंद्र माने तो इसके चारों ओर क्या बनाए, वर्ग बन रहा है, यहाँ पे वर्ग बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। द्विविमी मतलब 2D, वर्ग मतलब स्क्वायर, और निविड़ संकुलन क्लोज पैकिंग, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। उसके बाद क्या है, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पे क्या हुआ है, एक हमने पहले कण रख दिया है, पहले एक पंक्ति रख दिया है, फिर इसके गड्ढे में रखे हैं, जैसे हम अगर जो कम जगह में ज़्यादा चीज कमाना चाहते हैं या फिर हटाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर एक पंक्ति रख देंगे तो दूसरा एक पंक्ति बीचों में रखते हैं ना, जैसे खाली जगह इधर ज़्यादा यहाँ पे रखेंगे तो इतना पड़ गया है, यहाँ पे रखेंगे तो फिर इतना आ जाएगा ना, तो ये आसान तरीका है और इससे रखने का। तो दो तरीका है 2D में रखने का, एक तो हम उसके जस्ट नीचे रखते जाएँ, एक तरीका है बीचों में गड्ढों में रखते जाएँ। तो गड्ढे में रखेंगे तो ये हमारा कैसा बनाएगा, हेक्सागोनल बना रहा है, यहाँ पे कैसा बना रहा है, हेक्सागोनल बना रहा है। यहाँ पे अगर जो कोऑर्डिनेशन नंबर या पड़ोसियों की संख्या देखेंगे, कितने पड़ोसी हैं, चार पड़ोसी। यहाँ पे कितने पड़ोसी, छह पड़ोसी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पड़ोसी हो गया ना, इसमें कितने पड़ोसी हैं, चार पड़ोसी। अगर जो यहाँ पे रिक्तिका की बात करेंगे, वाइट्स की बात करेंगे या खाली स्थान की बात करेंगे, हम कितना भी कस के रख दें
लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ खाली स्थान छूट जाता है ना। अगर जो हम सीधा ऐसे रखते हैं तब भी खाली स्थान छूटता है, यहाँ पे पेट्रोल रखते हैं यहाँ पर रखते हैं तो भी पेट्रोल खाली स्थान छूटता है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये हो गया, इसके जस्ट ऊपर रखेंगे पेट्रोल ऐसे सीधे, ये हो गया ना। अब कैसा है, कैसा है इस बार वाला है ना, बीच में देखिए आपको कुछ ऊपर टाइप में मिला है ना, तो खाली स्थान है, कैसा मिला है, ऊपर की तरह मिला है ना। इसका मतलब इसमें खाली स्थान या वाइट कैसा होता है, स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर है ना, इसमें वर्गाकार या फिर स्क्वायर की तरह से हमें क्या मिलता है, वृत्त का मिलता है। तो यदि हम 2D डायरेक्शन में रखते हैं तो हमें कैसे मिलता है, वृत्त का वर्गाकार मिलता है, कुछ ऐसी संरचना मिलेगी तो इसको लगभग वर्ग मान लेंगे, ठीक है ना, वर्गाकार हमें मिलेगी। दूसरा तरीका है, यहाँ पे अगर जो रिक्ति का संख्या देखेंगे वाइट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाले में क्या है, त्रिभुज बना रहा है नीचे की ओर है ना, और नीचे वाले में क्या है, त्रिभुज ऊपर की ओर है। जैसे यहीं पे हमारे पास ये दोनों था तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रिभुज अगर जो ऐसे करके रखेंगे तो त्रिभुज ऐसे ऊपर की ओर मिला रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए क्या त्रिभुज ऊपर की ओर मिला कि नीचे ओर, नीचे ओर ना। अगर जो ऐसे रखते हैं हम इसे रखें तो हमें क्रॉस चेकिंग मिलेगा नहीं बना, हाँ मिलेगा ना। अब देखिए इस बारे में क्या है, त्रिभुज हमको ऊपर क्यों दिखाई दे रहा है, इस बारे में त्रिभुज नीचे क्यों दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसमें वाइट कैसा मिलेगा, त्रिभुजाकार मिलेगा ना, लेकिन कैसा मिलेगा, एक होगा शीर्षमुखी एक होगा ऊर्ध्वमुखी, मतलब नीचे की ओर एक मुंह हो जाएगा, ऊपर की ओर मुंह हो जाएगा, तो ऊर्ध्वमुखी और शीर्षमुखी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आया, यहाँ तक समझ में कुछ नहीं था, आसानी से समझ में आता, ठीक है ना। ज्यादा दिक्कत है ये तीसरा वाला कर रहा है, थ्रीडी वाला सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, थ्रीडी वाले का। तो 3D वाले में देखिए, 3D वाला भी दो तरीके से रख सकते हैं, जैसे कि हमने ये पहले पंक्ति रख दिया है ऐसे रखे हैं तो ऐसे रख दिए तो ये हमारा नीचे वाली पंक्ति हो गया ना, नीचे वाली पंक्ति है ना ये, क्यों हेलो ये नीचे वाली पंक्ति है ना। अब इसके ऊपर अगर जो हम रखें तो हमें कैसा 3D मिलेगा ना, एक ऐसा है 2D है ना, 2D ऐसा है, इसके जस्ट ऊपर रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3D मिलेगा। तो 3D में है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखे हैं अब इसके ऊपर रखेंगे। अब इसके ऊपर रखने का दो तरीका है, एक तरीका कौन सा है कि हम इसके जस्ट ऊपर रखें, जो हमें रखना है इसके जस्ट ऊपर रखें उसको, ठीक है ना, एक तरीका है गड्ढे में रखें। तो मतलब यह है कि एक टू तरीका है कि द्विविमीय वर्ग निर्मित संकुचन परतों से बना, मतलब जो ये वाला परत बना है इसके जस्ट ऊपर यही वाला परत रख देंगे, जो वर्गाकार बना है वर्गाकार के जस्ट ऊपर वर्गाकार रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, द्विविमीय वर्ग निर्मित संकुचन परतों से बना, मतलब इसमें स्क्वायर वाले परत के ऊपर रखे गए हैं, रखे गए ना। देखिए इसमें कितने स्क्वायर हैं, यह वाला पहला स्क्वायर है, फिर दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, स्क्वायर वाले परत है ना, टू डायमेंशन वाले है ना, है कि नहीं, एक के ऊपर रखे रखे है ना, दिशा में रख दिए हैं, फिर मतलब लड्डू पैक होने लगा, लड्डू ज़्यादा हो गया, अभी लड्डू लाइन में रखे हैं, फिर दो लाइन में रखे हैं, दो लाइन में रखने के बाद अभी एक लड्डू रख नहीं है सकता है, अब उसके ऊपर रखना है लड्डू ना, इसके ऊपर लड्डू रख दिए, फिर इसके ऊपर लड्डू रख दिए, तो अब हमको क्या मिलेगा, ये 3D में कैसे मिलेगा, वर्ग आकार और निम्न संपूर्ण कैसे करेंगे, ठीक है ना। दूसरा तरीका यह है 2D षष्ठकोणी, 2D षष्ठकोणी है। अब इसमें क्या करेंगे, हम जो षष्ठकोणी फलक हमको ये वाला खुला था 2D में, अब इसके ऊपर ऐसा ही संरचना रखेंगे, जैसे ये अवनमन में रखा था ना गर्त में, गर्त में रखे थे ना हमको, अब इसकी इसी तरीके की संरचना एक थोड़ा लाएंगे डुप्लीकेट, इसके ऊपर रखेंगे, फिर तीसरा इसी के ऊपर रखेंगे, तो अब ऐसे रखते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2D षष्ठकोणी निर्मित। तो दो तरीका हो गया ना, एक टू स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रख दें, एक हेक्सागोन के ऊपर हेक्सागोन, ये हो गया यहाँ तक। अब इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे कितना आ जाएगा, इसमें कितने पड़ोसी हैं, इसको अगर जो हम जूम करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर जो एक टू लेंगे हम, एक टू लेने पर हम क्या मिलेगा, है एक टू है, इसके संपर्क में एक टू इधर नहीं होगा, एक टू ऊपर होगा, एक नीचे होगा, एक टू इसके इधर नहीं होगा, सामने होगा ना, सामने होगा, एक टू पिछवा होगा, तो कितने आ रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच, एक टू इधर नहीं होगा, छः, तो टोटल कितने पड़ोसी हैं, पड़ोसियों की संख्या कितनी है, छः, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, छः। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर जो हम कहें कि वाइट या रिक्तिका किस तरीके से मिल रही है, रिक्तिका कैसे मिलेगी, घनी मिलेगी, घनी क्यों मिलेगी, घनी क्यों मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्ग था ना, स्क्वायर वर्ग में वर्ग बना था ना, ऐसा वर्ग बना था ना,
यहाँ पे खाली स्थान कैसा था, वर्गाकार था ना। अब वर्गाकार यहीं पे अगर 3D में बनाएंगे तो बढ़ता हुआ चला जाएगा ना, तो कैसा बनाया, घर बनाया ना, खाली स्थान में से बीचों में से दिखेंगे झरोखा टाइप में, तो हमें एकदम ऐसे खाली एकदम वर्गाकार दिखाई देगा ना, तो वर्गाकार दिखाई देगा, इसलिए इसमें खाली स्थान कैसा होता है, वर्गाकार होता है। और उसके बाद इसमें अगर जो हम देखेंगे खाली स्थान को, इसमें खाली स्थान दो तरीके का आ जाएगा, इसमें तो वर्गाकार है, सिंपल है, सिंपल है ना, वर्गाकार हो गया, ऐसे रखते थे। लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें हमारा दो तरीके का खाली स्थान प्राप्त होगा। कैसे दो तरीके का, देखिए हाई तीन था ना, तीन के जस्ट ऊपर एक्स रखेंगे तो इस प्रकार की संरचना मिलेगी, और तीन के जस्ट उल्टा अगर जो तीन रखेंगे तो अलग प्रकार की संरचना मिलेगी। इसी को समझना है, इसी को कल भी समझाते हैं। नीचे वाला परत ये हमारा हो गया, ठीक है ना, नीचे वाला परत कैसा है, हेक्सागोनल है ना, तो भी हेक्सागोनल है कि नहीं है जी। अब उसके ऊपर जस्ट रखना है हमको, तो एक तो तरीका है कि हम एक चूहे से रखें, रखते ना, एक तरीका ऐसा है, तो ऐसे जब रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चार प्रकार मिलेगा ना, इसके चतुष्फलकी मिलेगा। इसका मतलब इसमें जो खाली स्थान होगा बीचों वाला, बीच वाला खाली स्थान देखिए तो कैसा मिला है, चतुष्फलकी मिला है ना, इसको क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रा कहते हैं। क्योंकि अगर जो हमारा त्रिकोणीय संरचना के ऊपर कोई अन्य हमारा परमाणु रखा जाता है, किसी त्रिकोणीय संरचना के ऊपर, जो त्रिकोणीय संरचना पहले परत में बन रहा है, पहली परत के त्रिकोणीय संरचना के ऊपर अगर जो तीसरा परमाणु रखेंगे जस्ट, तो हमें कैसी संरचना मिलेगी, चतुष्फलकी या फिर टेट्राहेड्रा मिलेगा। तो इस कारण से इसमें रिक्ति कैसी हो जाएगी, चतुष्फलकी हो जाएगी, चतुष्फलकी है ना, चार परत है, चार परत चतुष्फलकी हो गया। अब दूसरा तरीका यह है कि हम नीचे वाला पंक्ति रखें, इसके जस्ट ऊपर जो दूसरा वाला पंक्ति रखें उसको ऐसे रखें, ऐसे यहाँ पे देखिए नीचे वाली परत में दोनों का मुंह इधर था, एक टू का उधर था, और इसके ऊपर अगर बीचों में से रखेंगे तो भी बैठ जाएगा ना, ऐसे बैठ ना हमको बीचों में से घसा देंगे बैठ जाएगा, कम स्थान गिरेगा ना, अगर जो ऐसे रखते तो हम ज़्यादा स्थान गिरता ना, इतना स्थान गिर रहा है जी, गिर रहा है ना, तो हम तो पागल है नहीं, ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो किसमें आ जाएगा, स्क्वायर वाली में आएगा, लेकिन हेक्सागोन में क्या आएगा, ऐसे आएगा, देखिए कितना स्थान कम हो गया ना, लेकिन यहाँ पे गैप बच रहा है ना, कुछ कितना भी हम दबाना चाहेंगे लेकिन कुछ ना कुछ गैप बचेगा। अब इसमें कैसा गैप बचेगा, एक त्रिकोण त्रिभुज इसका ऐसे था इधर का, इसे इधर में त्रिभुज कैसे बन रहा है, ऐसे ना, मतलब ऊपर बन रहा है ना, ऊपर बन रहा है ना, इसमें भी त्रिभुज ऐसे ही बनेगा कुछ। अब ये दोनों त्रिभुज कैसे मिलेंगे, एक दूसरे काटेंगे, देखिए उल्टा त्रिभुज काटेंगे ना, इसमें इधर मुंह है, इससे इधर मुंह है, इधर इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज त्रिभुज मिल जाएगा, कैसे बन जाएगा, स्टार बन जाएगा। इसमें रिक्ति का कैसी मिलती है, स्टार नुमा मिलती है ना, ठीक है ना, मतलब हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकी, ठीक है ना, तो इससे संरचना कैसे मिलेगी, रिक्ति का कैसे मिलेगी, अष्टफलकी, ओके, यस सर, ये कैसे, इसमें कैसा था, चतुष्फलकी, इसमें कैसे मिला था, अष्टफलकी मिल गया, ये अष्टफलकी वाला हो गया, ठीक है ना। अब अगर इसमें पड़ोसी की संख्या कहेंगे तो कितना आएगा, पड़ोसी छः, इसमें पड़ोसी कितने हैं, कितने पड़ोसी थे, चार, इसमें पड़ोसी नहीं निकालते हैं, नहीं निकालते ना, क्योंकि पड़ोसी यही है, नहीं खाली स्थान है ना, यहाँ तो खाली स्थान बीच ना, तो अगर जो खाली स्थान का निकाले तो अभी आगे पड़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो दो सटे हुए हैं, कोई कारण इसमें, जब घर रहेगा तब ना पड़ोसी निकलेंगे, जब घर नहीं रहेगा हवा रहेगा तो कहाँ पड़ोसी निकलेंगे, निकलेंगे नहीं ना, तो यहाँ पे हवा बीच ना, उससे नहीं मतलब है। यहाँ पे देखिए इस समय है ना, मतलब दो तरीका है, एक तो जस्ट ऊपर रख देंगे तो हमें कैसे मिलेगा, टेट्राहेड्रल, और जब त्रिकोणी के ऊपर त्रिकोणी रख देंगे तो हमें कैसे मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल मिलेगा। तो दो प्रकार से हो गया, अब ये 3D वाला हो गया। अब तीसरा कंडीशन हमने पढ़ा है, यहाँ तक हो गया है, आसानी से समझ में आ गया होगा, अब ठीक है ना, अगले समय में आगे वीडियो बन रहा है उसको देख लीजिएगा, बार बार, ठीक है ना, बार बार समझ देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, तो हो जाएगा। और उसके बाद देखिए तीसरी परत को दूसरी परत पे कैसे रखा जाता है, जैसे अभी तक हम केवल एक परत के ऊपर दूसरा परत रख रहे हैं ना, अगर इसके ऊपर हम तीसरा परत रखना चाहें, तीन परत, तो हम कैसे कैसे रख सकते हैं, ठीक है ना, एक परत के ऊपर दूसरा परत रखेंगे तो 2D मिल गया दोनों में ना, 3D। अब इसके ऊपर अगर तीसरा रखना चाहें तो कैसे कैसे रख सकते हैं उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो रखने का तरीका क्या है, एक तो हमारा जो टेट्राहेड्रल वाइज मिला है, यहाँ पे रिक्ति का मिला है, मिला ना टेट्राहेड्रल, इसको रखें, इसको रखने का तरीका ये है कि जैसे यहाँ पे है इसके जस्ट ऊपर ऐसे रख देंगे, यस सर, तो हमारा ढक जाएगा ना, ढकेगा कि नहीं ढकेगा, नीचे ऐसे रख देंगे ढक जाएगा ना। तो एक तरीका ये है कि हम जो यहाँ पे हमारे पास कण है या परमाणु है उसके जस्ट ऊपर रख देंगे, जैसी संरचना
ए वाले की है उसी तरीके की संरचना करेंगे तो हमें टेट्राहेड्रल कैसा ढक जाएगा ना। तो इसमें संरचना कैसे मिलेगी, ए व्यवस्था कैसे मिलेगी, ए बी और ए उसके बाद ए फिर बी ऐसे मिलेगी ना, तो ए बी प्रकार की व्यवस्था मिलेगी। अगर इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 12। क्यों, क्योंकि इसके 6 होंगे, 6 इसके होंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 नीचे वाला 3 ऊपर, 12 हो गया ना, तो 12 इसके आ गए कोऑर्डिनेशन नंबर आ गए। और उसके बाद अगर जो हम अष्टफलकीय रीति को उठाना चाहते हैं तो अष्टफलकीय रीति हमारा ऐसे बना था, बराबर ना, ये अष्टफलकीय रीति है। इसको ढकने का तरीका क्या है कि इसके जस्ट ऊपर ऐसे रखें, है ना जी सर। तो इसमें देखेंगे हम कि इसकी संरचना तो दूसरे प्रकार की है, इसकी संरचना फिर बदल गई, ये ए हो गया, ए बी हो गया, लेकिन ये सी हो गया, फिर बी टू आएगा, एफ टू आएगा, मतलब इसमें ए बी सी प्रकार की संरचना मिलेगी तीसरे वाले में। तो इसमें कैसी संरचना मिलेगी, ए बी सी प्रकार की संरचना मिलेगी। इसमें कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। अणुओं की संख्या कितना होगा इसको, 4। ये किस प्रकार की संरचना बनाएगी, सी सी बी क्यूबिक रोल फैकल्टी, क्योंकि घनी संरचना इसको बना था, बना के देते हैं। अब उसमें अगर जो हम चर्चा बोले तो रख देते तो कैसे संरचना मिलती थी, एच सी बी, ठीक है ना, उसमें कणों की संख्या कितना था, 12। क्लियर हो गया, यहाँ तक पढ़ाया हम लोग।